हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ DIY दिवाली डेकोरेशन आइडिया शेयर करूंगी। दिवाली डेकोरेशन की सारी चीज़ें आपको डॉलरामा डॉलर स्टोर कनाडा से मिल जाएंगी। बहुत सारी DIY डेकोरेशन आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डॉलरामा से आपको बहुत ही अच्छी, सस्ती एंड यूनिक डेकोरेशन मिल जाएगी फॉर अपकमिंग दिवाली। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डॉलरामा की चीज़ों को आप एज अ डेकोरेशन कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे DIY डेकोर बना सकते हो। इफ़ यू वुड लाइक टू सी this video in a detail, then without any further ado, let's get into the video. दिवाली के लिए आप ऐसी बॉटल यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। कलरफुल बॉटल्स आपको मिल जाती हैं अराउंड $3.50 की। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं इनमें। इनमें आप ऐसी लाइट्स ऐड कर सकते हो, वो भी आपको डॉलरामा से मिल जाती है। उनके पास ब्राइट या फैंसी लाइट्स हैं। इसको यूज़ करके आप अपने स्टेयर्स को डेकोरेट कर सकते हो, इवन सेंटर पीस बना सकते हो। ऐसा गार्लैंड तो आपने डॉलरामा में बहुत बार देखा होगा, बट कभी सोचा नहीं होगा कि इसको दिवाली के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। क्रिसमस डेकोरेशन ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाकर फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी कि इस गार्लैंड को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले, अगर फायर प्लेस मेंटल को डेकोरेट करते हो तो वहाँ हैंग कर सकते हो। तो जैसे भी स्टाइल करना चाहते हो कर सकते हो। मैश के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये तो रहा वन आइडिया। अनदर आइडिया, आप इसे स्ट्रेट अपनी वॉल पर लगा सकते हो लाइक दिस, हैंग करके। घर की वॉल डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसे आप घर के फ्रंट पे भी लगा सकते हो लाइक साइड डोर हैंगर, और इसे आप अपनी स्टेयर्स पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसका कलर खिलता है जब आप लगाते हो इसको। तो आप स्टेयर के पिलर्स पे और रेलिंग पे स्टाइल कर सकते हो। इसमें आप अनदर कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप ऐसे लगाते हो। और इसे आप अपने फ्लोर पे लगा सकते हो फ्लोर डेकोरेशन के लिए। इसे आप पहले स्टाइल कर लें, फिर अंदर एक एक दिया रखें, रंगोली की तरह इसे बना सकते हो। बहुत तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने इसी गार्लैंड को यूज़ करके DIY डेकोरेशन की थी। इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसे चेक कर सकते हो इन डिटेल। इसे आप वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो और स्टेयर्स पे लगा सकते हो। अनदर आइडिया देती हूँ गार्लैंड के लिए। ऐसी बेल्स मिल जाती हैं जो दिवाली के लिए बहुत स्पेशल होती हैं। ऐसी बेल्स लेकर आप ऐसा गार्लैंड लेकर डॉलर स्टोर से इसको भी एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। इसको आप वॉल पे यूज़ कर सकते हो, स्टेयर्स पे यूज़ कर सकते हो। अब आप डिटेल में उनके गार्लैंड चेक कर सकते हो जो $2 से स्टार्ट होकर $5 तक जाते हैं। आपने डॉलरामा में ऐसी डेकोरेशन भी देखी होगी जो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में आती हैं। जहां हम कनाडा में कभी भी सैंड से रंगोली नहीं बनाते, इसे आप एज आ रंगोली यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। इसको आप रख कर इसके साइड पे आप दियाज लगा सकते हो लाइक इसे एज अ रंगोली यूज़ करें। जब हम सैंड यूज़ करते हैं ना ऑन अ हार्डवुड फ्लोर, तो वो सैंड फिर उसके अंदर चला जाता है। इसलिए दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। आप इसके कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करके दियाज लगा कर इसे एज अ रंगोली यूज़ कर सकते हो। आपने ऐसी छोटी छोटी बाउल्स भी देखी होंगी। ये सिरेमिक बाउल है, इसे आप एज अ दिया क्यों नहीं यूज़ कर सकते। दिया की शेप भी है एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है। इसमें जस्ट कैंडल रखें एंड इसे डेकोरेट कर लें। आपको पता है डॉलरामा में जितनी वैरायटी आपको लाइट्स की मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। एक तो सस्ती होती है, अंडर $5 आपको मिल जाती है। बहुत सारे DIY डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। दिवाली के लिए इसे आप अपनी रेलिंग पे यूज़ कर सकते हो, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। नाउ यू कैन सी द प्राइस एंड डिटेल।
चलो अब बात करते हैं कैंडल्स की। दिवाली पे कैंडल्स ना लगाओ तो दिवाली नहीं होती, राइट? ऐसी टी कैंडल होल्डर आपको मिल जाती है डॉलर स्टोर से, 3 for $3। एंड ऐसी एलईडी कैंडल्स इसमें रख सकते हो अगर डरते हो कि कुछ बर्न ना हो। ऐसी वी कैंडल्स आपको कलरफुल मिल जाती हैं, एंड ओरिजिनल जो कैंडल्स होती हैं बैक्स वाली वो भी मिल जाती हैं। नाउ यू कैन सी ऑल टाइप ऑफ कैंडल्स विद अ प्राइस। चलो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ कि सिंपल कैंडल से मज़ा नहीं आता, इतनी डेकोरेशन ही लगती, तो ऐसे कैंडल होल्डर यूज़ करो ना। सो इसे आप अपनी स्टेज में रख सकते हो, इसे घर के बाहर भी रख सकते हो विद द दिया और कैंडल, जहाँ भी रखना चाहते हो फ्लोर डेकोरेशन के लिए एज अ रंगोली। सो ऐसे अच्छे अच्छे कैंडल होल्डर्स आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे कैंडल होल्डर तो बहुत ही अच्छे है, जब इसमें आप लाइट रखते हो, कैंडल रखते हो और दिया रखते हो तो ये और ब्राइट हो जाता है। सो इसमें मैंने रखी है बड़ी कैंडल, बट आप जब नीचे छोटी कैंडल रखोगे तो बहुत अच्छा ब्राइट होगा। सो डोरामा में आपको वैरायटी ऑफ कैंडल होल्डर्स मिल जाते हैं, आज ही जाओ ग्रैब करो एंड दिवाली डेकोरेशन शुरू करो यार। चलो अब दिवाली स्पेशल कैंडल होल्डर्स आप देख सकते हो विद द प्राइस। अब आप सोचोगे कि मैट के साथ दिवाली डेकोरेशन कैसे होगी? होगी, मैंने बोला ना होगी। सो ऐसे कलरफुल मैट आप ले सकते हो, वैरायटी ऑफ कलर कॉम्बिनेशन है, स्टाइल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लाइक अ फ्लावर। इसे आप जस्ट लेकर अपने फ्लोर पे रखें एंड क्रेटर बन जाए। एक रखो, दो रखो और चार रखो और छह रखो, जितनी भी बड़ी रंगोली बनाना चाहते हो। जब आप रंगोली बनाने लगते हो ना, कितनी बड़ी बना लेते हो एंड कितने क्रिएटिव हो जाते हो। सो ऐसे ही आप मैट के साथ क्रिएटिव बन सकते हो, रंगोली बना सकते हो। सो मैट मैंने लिए है, चार मैट लिए है, आइडिया दे रही हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी ऐसी मैट के साथ रंगोली शेयर की है। सिंपल प्लेट लो, जैसी भी आपके पास है, जस्ट क्रिएटिव बन के आप उसे जैसे भी डेकोरेट करना चाहो कर सकते हो। दियाज रखो, आर्टिफिशियल रंगोली रखो, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, हम कनाडा में सैंड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो सैंड फिर चला जाता है हार्डवुड की लाइंस में। सबसे इजी आइडिया है रंगोली का, इससे खिलारा भी नहीं होता, मैस भी नहीं होता, एंड हर साल निकालें अपने अकॉर्डिंग, क्रिएटिव बने एंड रंगोली बनाएं। देखा, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, एक मैट को भी आप एक रंगोली में टर्न आउट कर सकते हो। ऐसी बास्केट्स पता है आपको किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है? बी लिटिल क्रिएटिव। इस बास्केट को लेकर इसके अंदर पहले तो टिश्यू पेपर रखे, थोड़ी सी हाइट बनाएं, फिर उसमें चॉकलेट, कैंडीज, एनी चॉइस ऑफ दिवाली ट्रीट्स आप इसमें स्टफ़ कर सकते हो। जब स्टफ़ हो जाए फिर आप क्लियर पेपर, वो भी आपको डॉलर स्टोर से मिल जाएगा, उससे आप इसे रैप कर दें। सो एक हैम्पर की तरह इसे आप बनाकर गिफ्ट आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हो। सो डोरामा में ऐसी आपको बहुत ही अच्छी सस्ती बास्केट्स मिल जाएंगी एंड बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है। नाउ यू कैन सी द प्राइस एंड डिटेल।
डोरामा से आपको दिवाली की डेकोरेशन के लिए हर एक कलर कॉम्बिनेशन की लाइट मिल जाएगी, लाइट के लिए सप्लाई मिल जाएगी, लाइक एक्सटेंशन चाहिए होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लग्स आपको चाहिए होते हैं, वो बहुत ही अच्छे सस्ते मिल जाते हैं जो $1 से स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी द प्राइस एंड डिटेल। दिवाली DIY क्राफ्ट्स के लिए भी आपको क्राफ्ट्स की बहुत ही अच्छी एंड सस्ती चीज़ें डोरामा से मिल जाती हैं, एंड डेकोरेशन के लिए। सो ऐसी चीज़ें आप लेकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो फॉर अपकमिंग दिवाली। मैं होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी भी मैंने दिवाली DIY डेकोरेशन के आइडियाज़ आपको दिए हैं वो अच्छे लगे होंगे। सो यस, डोरामा से आपको बहुत ही अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं जिसे थोड़ा सा DIY करके क्रिएटिव बन के आप अपने घर को फॉर अपकमिंग दिवाली के लिए डेकोरेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय गाइस।